मैं उल्टो करो साहब, मैं बोली कि जय दी इन्हें रुचि है ना तो तू वो काम करण दे इन्हें, एक बार इन्हें देख लेंगे आपा, फिर एज पड़ी है फिर पढ़ा देंगा, ये दिन नहीं सक, आग लो है ना सक्सेस हो जाओगे तो कुछ आएगा नहीं अपन, बहुत अच्छी बात। मैं तेरा हूँ तेरा हूँ तेरा रहूँ, मैं तेरा हूँ तेरा हूँ तेरा रहूँ। सिंगला बहन राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि, खबर लोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। थारी आवाज़ खबर लोक चैनल न थे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और के करने जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाले अभी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आज जो देखा कि आपने झुंझुनू की जो प्रतिभा निखर के आ रही है, बाम ही एक और प्रतिभा अपने चिड़ावा शहरों जो निकल के आई है, बातचीत कर सकें पूरी जानकारी लांगा। गौरव शर्मा पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री है बिक मान, एक नई शुरुआत है जो करने जा रहे हैं, एक नए गानों बागो जो लॉन्च हुए हैं पूरी जानकारी ले सा, कठाओं के शुरुआत करी और अठा तक पहुंचने के लिए बन कौन सा के प्रयास करना पड़ा, क्यों के बातचीत करी, और भी जो अपने युवा ही अगर वह चाहे हैं कि वह भी सिंगिंग वगैरह में आपको करियर बनावें, एक्टिंग वगैरह में अगर जानो चाहो हैं तो की तरीकों बस शुरुआत कर सकें। और सब बड़ी चीज़ जो देखा कि भाई की उम्र की अगर आप बात कर ला तो भाई अभी शायद 18 साल तक ही, 18 साल ही हुई है। गौरव शर्मा जो गोल्डी अभी नामू जो देखा कि गोल्डी को नामू जो एक प्रसिद्धि पा रहे हैं, बातचीत कर सा पूरी जानकारी ले सा कि कहीं किसी के शुरुआत हुई और अभी आगे कठा तक भी जो जानना चाहे हैं, बने रहो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। ओ स्कूल टाइम में मतलब मन गाना वगैरह कौन चीज़ा को शौक तो मैं स्कूल में प्रोग्राम वगैरह में क्लास में मतलब गाया करते हल्को फुल्को, फिर जै 12th पास हुई तो उसके बाद में पढ़ाई में इतनी रुचि कौन थी, अन्य चीज़ों में ज़्यादा रुचि थी, फिर धीरे धीरे मतलब आगे करते गए। सूरजगढ़ में स्टूडियो है, मैं चिड़ाव से हूँ तो चिड़ाव के पास में एक मतलब शहर है सूरजगढ़ में एक स्टूडियो है, बट इसे सिंगिंग सीखी प्रॉपर जो प्रोफेशनल सिंगिंग होया करे बड़े सीखी, बिक बाद में पहले एक हरियाणवी गानों रिकॉर्ड करो, फिर को कुछ मतलब उस टाइम पर थोको नहीं आलिए कुछ चैनल वगैरह कौन मिलो। जी टाइम कै साल कहा थे? जी टाइम पर मैं या 17 साल को थो। अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं कि सब बड़ी चीज़ यह है कि लिखें खुद और गाँवें खुद और भी के बाद में गाना में एक्टिंग भी है जो खुद ही करें, वीडियो रिकॉर्ड करें, हालांकि ऑडियो ही नहीं बिको वीडियो भी रिकॉर्ड करें तो बिकमान खुद ही है जो ये एक्टिंग वगैरह करे हैं। आपने राजस्थानी में भी कभी प्रयास करा? नहीं राजस्थानी में प्रयास कौन करा, हरियाणा में करो पर उड़े कुछ जो हो कोई कोई चैनल वगैरह मिलो को नहीं उस टाइम पर, फिर मतलब मुंबई के अंदर एक्टिंग के अंदर फिर थोड़ा मतलब मुंबई में मतलब ऑडिशन वगैरह दिया तो क्लियर होगा था, फिर कोई मतलब लॉकडाउन लागो तो ये जान कौन पाए। हाँ फिर लॉकडाउन में घर मतलब मेरी प्रैक्टिस वगैरह करी, फिर भी के बाद मैं उज्जू बॉम्बे गयो, फिर बॉम्बे के अंदर जो भी मेरा सॉन्ग के अंदर जो साथ में काम कर रहा है जितेंद्र तो वह मतलब बड़े मिला था, और भी मतलब बहुत सारा आर्टिस्ट वगैरह मिला तो उनसे मतलब उनसे बातचीत करी रहे बड़े 2-3 महीना, फिर बठे से वापस आ गए और उनके साथ फिर ये गानों करो। बिल्कुल जो देखा अभी अंकल भुआजी भी अपने साथ ही जो बाहू भी आप चर्चा करांगा, आज भुआजी का जो आ रहा है क्योंकि जो ये टाइम जश्न को जो माहौल चल रहा है और भाई को गानों जो 2 लाख क्रॉस अभी कर चुके हैं व्यूज की आप बात कर लें तो अब जब पढ़ाई लिखाई कर रहा 17 साल की उम्र में सिंगिंग वगैरह कर लगा है, जहाँ तक मन जानकारी मिली है कि परिवार में सब ही जो जॉब वगैरह कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, थे थान जी टाइम के घर का आएंगे क्योंकि ये के काम जो कर रहे हैं कहो थो, पर मेरा जो स्टार्टिंग में मतलब कही थी घर का कि मतलब या की चीज़ कर रहा हो, पर मतलब जो दादाजी है मेरा और जो मेरी जो मम्मी है उन्हें सपोर्ट करो, और पापा मतलब थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा है कि मतलब यो कि नई चीज़ें पढ़ाई में ध्यान दे हैं वगैरह मतलब है, तो फिर बाजी सपोर्ट करो क्योंकि बाजी से छोटा है पापा तो बाजी को सहयोग लेके जो सिंगिंग शुरू करी। अच्छा तो जिस टाइम के मतलब स्टूडियो वगैरह में भी जाता तो शायद अकेला ही जाता या फिर घर बता के जाता या फिर चोरी छुप कर निकलता? वो तो मैं मतलब कॉलेज में एडमिशन था मेरे फर्स्ट ईयर में चिड़ाव में मतलब कॉलेज राजस्थान कॉलेज करके भी मैं एडमिशन थो, तो मैं सुबह कॉलेज खातिर निकलता तो एक ही दिन गया कॉलेज में बस कॉलेज में कौन जाता फिर बड़े से निकलता तो, और साइड से घूम के फिर बस मैं सूरजगढ़ घर का बिना बताए डेली जाया करता मतलब घर का पता ही कौन चलो ये चीज़ को ना तभी कौन चलो, फिर लगभग 3-4 महीना होगा उसके बाद में जब पहले गाना रिकॉर्ड हो बिक बाद में घर बताई टाइम फिर दुलाई को नहीं हुई। दुलाई को नहीं वे गानों सुने तो फिर उन्हें मतलब अच्छा लगा कि हाँ कुछ मतलब टैलेंट कर तो सीमा ने कर तो सही
कि टैलेंट भी है और करा को बंदा मैं जुनू ने तो थोड़ा मतलब सपोर्ट करो, फिर दादा मम्मी को सपोर्ट थो, फिर बाजी को भी थोड़ी सपोर्ट गया ने, तो फिर सारे ही मान गा पापा। अच्छा जान के लिए किराए भी रहे कि बेन जी टाइम कैसी व्यवस्था कर लेता घर का कि अच्छा मतलब उस टाइम पे कॉलेज में जाता हूँ ना तो सागर दोस्त जाया करते, और जो बस आड़ा था भी जानकार फिक्स बस जाया करती चिड़ा से मतलब सूरजगढ़ खातर सुबह 10 बजे तो बस बैम ही जाया करता, 10 रुपये लागत तो किराया जानकारी होगी भी भी। हाँ आज मैं कंडक्टर हूँ वापस मिलना चाहूँगा बिल्कुल उनने सम्मान कराऊंगा बुलाऊंगा मिलाऊंगा उनसे भी जब मतलब थोड़ा सॉन्ग और हिट हो जाएगा तो जी। चलो हंसी मजाक के बाद में आप देखा कि शुरुआत जी टाइम करी ही कौन सी मैंने चुनौती ही जी टाइम की ये समस्या है क्योंकि एकदम फील्ड में जानो सब छोड़ गए। चलो सिंगिंग में तो शायद मन को लगे परिवार में कोई फैमिली होगी। मैं मतलब सिंगिंग को मन कुछ नॉलेज मतलब खास नॉलेज कौन था हल्को फुल्को गरा मतलब मेरे दादाजी था वह धमाल मतलब गाया करता कोई भी मतलब होली के टाइम में फंक्शन होता तो धमाल वगैरह गाता और मैं भी सुनाया करता, और जो दादी जी वगैरह वो भजन गा वो गाती रहती मतलब मैं उनका भजन रिटर्न करके मैं भी हल्का फुल्का गा लेता हूँ। लेकिन ये सिंगिंग का कोई खास वो पहले भजन है जो थे गायो या फिर लिखो भी ने कि यो भजन है फिर भी लिखो मैं खुद को नहीं मतलब जो दादी है वह गाया करती कोई डोरा डोरा करके सी तो कोई एक तो लकड़ी वो मतलब काटती लकड़ी दौड़ती ऐसे कुछ भजन है एक वो भी अभी तो याद कर भजन वगैरह छोड़ दिया था स्कूल टाइम की बात है बच्चों थो तब फिर इसको सिंगिंग में कुछ बच्चा ही हो फिर मतलब इतना नॉलेज कौन था। बाद में सूरजगढ़ में कोई दोस्त के थ्रू जानकारी हुई थी कोई सुमित गोरा करके है उनके स्टूडियो में जाया करता वो बना मतलब थोड़ा मन शुरू को मतलब वो जो नॉलेज वगैरह दियो और मतलब प्रैक्टिस करवाया करता वह रोज़ की डेली। स्टार्टिंग में गया तो एक दो दिन बहुत ज़्यादा बहुत मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत डिफिकल्टी आई थी क्योंकि कदे कभी कौन थी सिंगिंग प्रोफेशनल सिंगिंग क्योंकि कदे स्कूल में भी गान को मौका मिले या जाके स्कूल में ज़्यादा कौन क्योंकि एक जो हमारी जो स्कूल थी इतना ज़्यादा प्रोग्राम को नहीं होता बड़े सिर्फ 15 अगस्त 26 जून स्कूल टाइम में क्लास में मतलब है ऐसी मजाक में गानों वगैरह मतलब टाबर बोलता सुना तो उन्हें सुनानू फिर बड़े उन सुमित गोरा करके वो गुरुजी है मतलब मेरा तो उन्हें प्रैक्टिस करवाई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जोर जोर से मतलब वह भी एक तरीका स्टार्टिंग में परेशानी होगा प्रैक्टिस करा करा के पर वो कोई मतलब जानकारी में था तो उन्हें अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करवाई और फर्स्ट गानों डे रिकॉर्ड करो थे हरियाणा गानों प्रॉपर बिक के बाद में मैं दिल्ली भी गया थो बठे भी मतलब जो मतलब मतलब सिंगिंग वगैरह की स्टूडियो में प्रैक्टिस करी थी ज़्यादा दिन मन्ना पर करी भी के बाद में फिर बॉम्बे चले गए थे और फिर आके अभी और बॉम्बे भी बॉम्बे या कोई बॉम्बे सिर्फ एक्टिंग के लिए गए थे सिर्फ एक्टिंग के लिए। हाँ बड़े दो हाँ 3-1 महीना रहे थे तो बड़े 1.5 महीना में एक्टिंग की वाली थी जीत एक्टिंग क्लासेज जो मतलब क्लासेज वगैरह तब फिर बड़ी सा आके फिर वो थोड़ा सा पैसा की तो दिक्कत थी लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना दादू और मम्मी तो वो सपोर्ट कर रहा था तो मैं उन्हीं बोलता तो वो कर देता अरेंज। अच्छा जी हाँ बिल्कुल भी के बाद में अब पंजाबी जो गाना ही है फिर लिखा भी ही थे तो लिखन बहुत लिख रखा है बताओ हो तो सिर्फ पंजाबी क्यों लिख रहे हो भाई जब राजस्थान का हो के और स्पेशल झुंझुनू के चलो हरियाणा टच है हरियाणा भी आप मान लेंगे थोड़ा बहुत हरियाणवी भी अपन गा दी ही लेकिन राजस्थानी के ऊपर कदे फोकस क्यों कर राजस्थानी ज़्यादा मुश्किल मतलब हार्ड लगे है या फिर एक माना को कोई अपन लिंक मिल रहे हो को नहीं मतलब अभी जो मैंने बॉलीवुड तक जानो है तो मैं जब मतलब एक लेवल बन जाऊँगा ना उसके बाद मैं राजस्थानी ही सॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा करूँगा और मेरा तो ड्रीम है पूरे फिल्म सिटी खोलने का। हाँ नहीं देखो राजस्थान राजस्थानियों भी अपने बॉलीवुड तक पहुँच रहे हैं काफ़ी जो सिंगर ही अपने जब भी कलाकारों में मिला हाँ और बंका इंटरव्यू हुए तो मोस्टली महिला जो कलाकार हुए बहुत तो अपना हुए हैं बहु एक सवाल यो रहे कि महिला के सामने चुनौती आए हैं कि भाई घरों बारह गुन जा सकें या फिर बन थोड़ा बहुत देखना पड़े बोली सी चीज़ तो थारे भी सामने कोई है कि चुनौती ही एक कि कौन सी समस्या अगर देखा तो मुख्य रूप समस्या के आ रही ही कि बाहू को समाधान भी निकाल लो। समस्या तो ज़्यादातर मतलब स्टार्टिंग में जब बिल्कुल एकदम नए नए स्टार्ट करे तो तब मतलब थोड़ी समस्या मतलब जो पापा जो है वो थोड़ा सा मतलब फील्ड में इतना स्ट्रिक्ट था। हाँ स्ट्रिक्ट था थोड़ा मतलब पढ़ाई के मामला में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था बापू सेहत के लिए जो मतलब भैया बैठे है ना गुरु है ना ये इनके पास भेजो तो मैंने एयरफोर्स की तैयारी खातिर तो उनमें 9 दिन ही रुके बस। अच्छा तो ब्रो ने भी मतलब समझ में आ गई फिर ब्रो भी यही बात बोलो कि मतलब मामा जी रुके ये भैया भी था बड़े दोनों था तो मतलब ये भी समझ गया कि यह चीज़ में कोनी तो ये पापा ने भी बताई कि एक शौक मतलब हम कोनी रुचि है कि ये में कोनी मतलब इतना हुआ तो हम बैठे ही भेजो। बिल्कुल देखो जो है प्रयास करा जाए पूरी फैमिली आज बुआजी का आड़ा ही मोस्टली बुआजी का ज़्यादा रहे बुआजी भी यहाँ काफ़ी सपोर्ट रही हो
अब ये जो है का भाई ही बेबी अपने साथी तो आऊं भी बातचीत करेंगे कि कौन सी जी टाइम कौन से टाइम पर आनी यह चीज लगी कि अब सिर्फ ये गाना ही गाऊंगा। थे थारने पूछना चाहूंगा कि जब सपोर्ट करो थानी पहली बार बोला कि मन तो गानो गानो है तो थे कि ख्यवान कि थाने भी रुचि ही कि ठीक है बेटा तुम जो करना वो कर ले या फिर अनरोकन का प्रयास करे। जी मैं एक दिन ही कौन रोकना चाहिए है। मैं बोली कि ठीक है मान सक्सेस चाहे तू क्या मैं भी दे दे क्या मैं भी है और है ना तेरे गानों गान की मतलब है तेरे एक्टिंग की सिंगिंग की तो मैं आकर पापा ने भी समझायो बुझायो और उन्हें कन्वेंस करो एक खातर तो वो मान्यो। अच्छा तो सक्सेस को के लेके चल रहे हो कि भाई सक्सेस कैसी वो लेके चल रहे हैं कि जिंदगी भविष्य में ना फ्यूचर में दुख नहीं पा भाई खुद को इंडिपेंडेंट हो जाओ और आपको कमावा खावा है यो लेके चल रहे हैं आप और थोड़ा सा वही सक्सेस मिल जाए ना मतलब पापा जी को भी नाम हो जा कि भाई फलाना राम जी को सरदारा राम जी को पोतो है आ राज हटे पूछ रहे हैं माँ बाप तो इससे ही खुश रहे थान भी रही है। और अपन तो थे थारा भाई ने कैसे समझाओ कि सिर्फ इन काम करने वो मेरे से छोटो है थोड़ी हाँ। मेरी रिस्पेक्ट करा है मानना है मेरी बात आया समझाओ भी ने कि भाई देख अपने तने सक्सेस चाहे चाहिए हो क्या मैं भी दे अपन तू इन्हें रोक मना और फिर ही कि ये जना साहब यो 27 साल को जना मैं बोली इकन 3 साल पड़ी ही 20 साल तक इन टाइम दे दे 2 साल को दे दे इन्हें 2 साल में यदि कुछ कर गुजरे है और आपकी लाइफ बना ले तो बहुत अच्छी बात है नहीं बनाओगे तो पढ़ाई तो तैयारी आप पढ़ा दे नहीं बच्चे। देखो आज चीज जो थे बोल रहे हो ना इनमें थोड़ा सा यहाँ हुआ कि अपने पहली तैयारी करवाओ हैं कि तू 2 साल तैयारी कर ले 3 साल तैयारी कर ले भी के बाद में तेरे यह फील्ड तो पड़ी है अभी गाना तो तू घना भी गा लेगो लेकिन कर दियो मैं उल्टो करो साहब हाँ। मैं बोली कि जदि कि इन्हें रुचि है ना तो तू वो काम करण दे इन्हें एक बार इन्हें देख लेंगे आपा फिर एज पड़ी है फिर पढ़ा देंगा यदि नहीं से आग लो है ना सक्सेस हो जाओगे तो कुछ आएगा नहीं अपन बहुत अच्छी बात आपा भी है पीछे पीछे हाँ और नहीं होगा तो पढ़ाई तो तैयारी है कंपटीशन पास तोड़ लेगो बड़ो को नहीं हो ना एज है ही टाइम है अभी एज छोटी तो एज है टाइम है बच्चों लेकिन काम बडाला कर दिया बिल्कुल जो है बच्चों लेकिन काम बडाला कर लिया और दूसरी चीज की एक या चीज की पहली जो चांस दियो है बा आगे जो इच्छा ही बिन दियो गयो है और भी के बाद में अगर तैयारी वगैरह ही पर बाद में की जो चीज पर देखी गई है यो एक दिन मन बोलो फोन करके बुआ जी अपने घर में बहुत ज्यादा कला छुपी डी मैं बाहर न निकालना चाहूँ मैं बोली ठीक है भाई तेरे पापा से बात करूंगी मैं फिर देखो मैं उन्हें बहुत समझा 6 महीना तो मैंने पापा ने समझाने में ही लागी जो जाके मान लियो फिर मैं मेरे पापा ने समझायो वो पापा जी छोरा की मन में है थे मना थे कमल ने समझाओ मना मत करो पापा खुश होगा मेरा ऐ बोले बेटा तू चिंता ही मत करे यो करेगा वो ही कराऊंगो क्योंकि पापा के ना भगवान की दया से कमाए नहीं पिसा को भी जोगाड़ हो और फिर वो बेटो है भी ना दमखान को भी जोगाड़ है अगला खन तो इसलिए पापा बोले कि तू चिंता ही मत करे बेटा इनमें कह दूंगा यो कुछ ही कुन कहो तू कह दे गो रमना जो करना चाहो कर लेगो पर मेरा नाम ना डबो दे बस इतनी चाहे मैंने बिल्कुल। अब तो चलो पहलो गानो रिकॉर्ड हालांकि लिख काफी रखे हैं लेकिन अब तो भी कमान गानो भी रिकॉर्ड होगो भी को वीडियो भी रिकॉर्ड होगो हाँ। और 2 लाख लोगों तक वो पूछ भी को कसो के लाग रहे हो बहुत अच्छा लाग रहा है मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ अच्छा। यकीन मानो मन नाचने को नहीं आओ फिर भी मैं नाची हूँ मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पापा बहुत खुश है हाँ। मेरे पापा इतना बूढ़ा हो रहे हैं थाने वीडियो दिखाऊंगी यदि वो घर लेके गया ना इतना डांस कर रहे हैं मेरी मम्मी और मेरे पापा बहुत ही खुश हो रहे हैं और मैं तो बहुत खुश हूँ अब तो मेरी पूरी फैमिली खुश है जो भी अपना दर्शक वीडियो देख रहे हैं वीडियो तो शेयर करो ही करो भी के अलावा भाई को जो गानो है वो भी जाके देखो और जो थारा सुझाव ही भी गाना पर जरूर दो ताकि भाई ये जो और मेहनत कर सके हालांकि भाई एयरफोर्स की तैयारी के लिए भी भाई कन भेजा आप लोग कहना भाई साहब उदय किशोर सर उदय जी हैं अपने साथ तो थे जी टाइम पढ़ाता वगैरह तो मोस्टली एयरफोर्स के लिए जो तैयारी करवाता तो विकमान के मैथ्स वगैरह पर ज्यादा है तो के यहाँ को ध्यान रहते कदे ये गया 16 साल का जब गया 2 साल पहले हाँ। जब मैं रहता जयपुर हाँ। जब गया था मैं और रामस्वरूप दोनों साथ रिया करता हाँ। तो यो मामा जी बोले कि इन तैयारी करवा देखो पेपर है हाँ। 4 महीना बाद हाँ। तो मैंने कहा ठीक है अक्ष गुरु का पेपर हो मैं थी 12th में जना इन रियो ना पढ़ते हाथ को ना सारे दिन गाना सुन तो पायो मैं इन कहते होना बच्चो और पाए कि यो भी बच्चों ही है जना मैं यो पढ़ता कौन है जना बात थोड़ी दिक्कत वाला आ गई जना मैं देखियो 1-2 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन भाई वो कौन पढ़ता ना 7-8 दिन बाद मामा जी ने बता दियो हाँ। कि पढ़ा था कौन है वो हाँ। चाहे तो कुछ भी कर लो हाँ। तो इनके तो घर बुला लो और इन भी काम में जावा दो ना मामा जी बोले जना तो गुस्सा हो गया थोड़ा कि नहीं है थोड़ी भाई ना वो पढ़ा ही कौन है और कल ने फिर दिक्कत हो गई देखो कि भाई वो क्यों हो 9 दिन में 1 घंटा भी मुश्किल से पढ़े होने जना बा 9-10 9 दिन रही होगा 10 दिन मामा जी बोला ठीक है इन घर भेज दे मैं सुबह बात करूँ
वहाँ आज कह दियो मैं देखो पढ़ाई में तो कदे वह कोने क्योंकि वो किताब ठाते हुए कोने सारा दिन गाना ही ये बात वाह बात जना मेरे हाँ मार और दिक्कत वाला आ गई गाना शूट करे ना आए गो गाँव में दो महीना रिया पहाड़े भी का पोस्टर पास्टर लगाया अठों ज़्यादा सपोर्ट मिले अपने गांव शुरू और आगे की प्लानिंग के ऊपर चर्चा करें कि मतलब फाइनली यह चीज़ सोच ही लेगी कोई की भी न मान के कि अब तो सिर्फ गानों ही गानों है क्या सोच रहा है कि जहाँ घर का नहीं है उम्मीद है कि नाम न डुबो दियो जाए अभी तो स्टार्ट करो तो मतलब जो चैनल के साथ तीन साल तक काम मतलब अच्छो करूँगा तीन साल को अभी चैनल के साथ हाँ चैनल के साथ इस चैनल के साथ बोलना मतलब इस चैनल के साथ में तीन साल तक सॉन्ग करना है मैंने है ना मतलब और किसी चैनल के साथ गया मतलब कौन कर सकूँगा क्या चैनल के साथ ही करना है तो मतलब तीन साल तक के साथ काम करूँगा बिक बाद में बॉलीवुड में मतलब कि मैंने जो जानू है अगर उड़े वहाँ तक मतलब उड़े तक नहीं पहुँचो तो फिर उरी पंजाबी इंडस्ट्री में काम करना है सॉन्ग बनाना है और राजस्थानी सॉन्ग बनाना है तो मतलब अपने साइड में इलाका में काम करना फिर अगर उड़े सक्सेस नहीं मिली तो जिन्हें भी जानू है वो मेहनत करो और मतलब जो जानू है तो जानू है मैं सोचो किए हुआ कि को नहीं आप अगर गया तो कोई के कह गो क्योंकि लोग बहुत आऊँगा जो मतलब है डिमोनलाइज भी करेगा कि मतलब यो काम करना है कौन करना ये मतलब क्या मैं है वो जागो ये तो गाना गा तो उम्मीद करूँ हालांकि काफ़ी अपना और भी जो दोस्त थी बाऊ भी लगातार जो सहयोग मिला गो एक जो सवाल ये हो कि अभी कौन सा चैनल पर अपना गाना डल रहे हैं जो अगर अपना जो दर्शक जाके देखना चाहूँ तो कौन सा चैनल अभी चैनल सिंगल ट्रैक पंजाबी करके चैनल है पंजाबी रिकॉर्ड लेबल बिको पर अपना मतलब कि जो सॉन्ग है वो आयो है तो यह जो रिक्वेस्ट है कि सॉन्ग ने जाके देखो शेयर करो लाइक करो और तेरा नाम है सॉन्ग को तेरा नाम है और सिंगल ट्रैक पंजाबी पर मतलब सिंगल ट्रैक पंजाबी पर है और तेरा नाम है जो भाई अभी गा के अपन सुनाऊंगा बातें तेरी दिल में मेरे हैं तेरे ख्यालों में खोया रहूं दिल भी तू ही है धड़कन तू ही है तुझसे ही बस अब जिंदा रहूं मैं तेरा हूँ तेरा हूँ तेरा 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 रहूं ये जो फर्स्ट अंतर आप मतलब सो बिल्कुल तेरे इस चेहरे को कभी पहचान नहीं सका तुझे इस धोखे के अंजाम को भुगतना पड़ेगा तेरे लिए मेरे भाई ने इस दुनिया को छोड़ा है अब तुझे भी इस दुनिया से रुखसत होना पड़ेगा ये मतलब उस सॉन्ग लास्ट में जो ये जो बात करी गौरव भाई उर्फ गोल्डी जो एक निकनेम आपको रखे और जल्दी आप उम्मीद करा हाँ कि आने वाला समय में लगातार ही आएगा गाना लाओ और अपना जो जो भी भाई जो भी दोस्त जो भी दर्शक अगर देख रहे हैं तो भाई ने फुल सहयोग और सपोर्ट भी मत करें वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ थारे भी आसपास में अगर कोई भी इनकी प्रतिभा है और बन थोड़ा बहुत भी अगर सहयोग की जरूरत है तो जरूर थे अपन बताओ पूरा सहयोग करने का अपना प्रयास जो करा जाएगा चैनल पर बने रहो जय झुंझुनू जय राजस्थान जय हिंद।